नमस्कार दोस्तों, आप सबको आने वाली दीपावली और करवा चौथ की शुभकामनाएं। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि भगवती आपके जोड़े बना के रखे। दोस्तों, सभी विद्वान जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। जितने मेरे मित्र बंधु नए जुड़े हैं हमारे साथ, उन सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इनका। ये जो इस वीडियो का विषय है, ये वीडियो बहुत छोटी बनेगी, लेकिन ये है, इसको जो आदमी इम्प्लीमेंट कर लेगा ना अपनी लाइफ में, जो साधक, तो उसको कभी फेलियर का सामना नहीं होगा। 60% जो प्रॉब्लम आती है सही भगताई में, वो इसकी कमी से आती है, जो आज की आपकी कमी मैं पूरी कर दे रहा हूँ। साधक भाई बहनों, जो साधक साधना क्षेत्र में नए आए हैं और जिनका कोई अभी तक गुरु नहीं है, विशेष तौर पे उनके लिए ये साधना है। उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने गुरु की तलाश करें और गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त करें, और जो मंत्र दीक्षा उनको प्राप्त हो उसकी साधना पहले करें। देवता की सेवा पहले होती है, साधना बाद में होती है, उसके बाद सिद्धि होती है। जब आप साधना क्षेत्र में घुसें, आपका जो इष्ट हो तो उसके प्रति कम से कम 6 महीने उपवास रखें। प्रति सप्ताह प्रति माह उपवास अवश्य रखें। इससे आपकी जो साधना है वो और सुदृढ़ होगी और आपकी जो बॉडी है उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, इस मंत्र के प्रयोग से आपको सिद्धि प्राप्त करने में कोई कठिनता नहीं आएगी। आपको मैं दे रहा हूँ आसन मंत्र। तो आसन मंत्र जो होता है, आप जब साधना करते हो, कोई भी साधना करते हो, जब आसन पे बैठना होता है तो सबसे पहले आपको 11 बार 21 बार कम से कम 7 बार 31 बार आपको आसन पर बैठने से पहले इस मंत्र को जाप करना है। उसके बाद आपको आसन को नमस्कार करना है, फिर आसन पर विराजमान होना है, तब कोई साधना आपकी कंप्लीट होगी। जब आप आसन का मंत्र लगा करके बैठोगे तो शूद्र शक्तियाँ और भूत प्रेत और छोटे मोटे देवता, यहाँ तक कि देवता भी जल्दी आपके आसन पे नहीं आएंगे और आपके काम में विघ्न नहीं डालेंगे। वैसे तो ये आसन मंत्र स्वसिद्ध है, लेकिन जब आपको समय मिले, सबसे पहले इसे कंठ कर लेना। जब समय मिले या कोई पर्व आए, होली, दीपावली, दुशहरा, ग्रहण काल, तो इसकी एक माला यदि जाप कर लिया जाए तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है। शास्त्रों में भी आसन मंत्र का जिक्र आता है, लेकिन यह गुरुमुखी मंत्र है। जितनी जमातें वगैरह होती हैं उन सब में मंत्र दिए जाते हैं, सबके अपने अपने मत और अपने अपने साहित्य के हिसाब से होता है। जिस साधक को ये आदत पड़ जाए कि आसन मंत्र लगाकर ही बैठना है, तो उस साधन की साधक की छवि और आभा कुछ और ही हो जाता है। उसकी बॉडी और उसकी जो आत्मा है वो दैविक ऊर्जा से भर जाती है। जल्दी जल्दी उस पर कोई बीमारी वगैरह असर नहीं करती। तो जिनकी गद्दियाँ भी हैं आप मेरे भाई बहनों की, वो भी एक चीज़ को समझ लेना। ये कोई किताबी मंत्र आपको नहीं दे रहा मैं, इसका प्रभाव तीक्ष्ण होता है।
और विभिन्न विभिन्न साधनाओं में अलग अलग तरह के आसनों का प्रयोग किया जाता है। कईयों में कंबल, कईयों में मृगचाला, कईयों में भैंसे का चमड़ा, कईयों में शेर का चमड़ा, तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग साधनाएं होती हैं। कंबल का आसन सर्वथा उचित माना जाता है, कुशा का आसन सर्वोत्तम माना जाता है। साधना से इस मंत्र का ये लाभ है, साधना से उत्पन्न कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को कष्ट नहीं पहुंचा सकती। मैं आपको एक आसन मंत्र बताने जा रहा हूँ। समय मिलने पर इसको कागज़ पर लिख लें और इसे याद करें। फिर जब भी आप कोई साधना करने लगें तो पहले आसन बिछाते हुए आसन पर बैठने से पहले 11 बार इस मंत्र का जाप करें। तो मंत्र इस प्रकार है, सत नमो देश गुरु जी को देश, आसन ब्रह्मा आसन इंद्र, आसन बैठे गुरु गोविंद, आसन बैठे जपिए जाप, कोट जन्म के उतरे पाप, आसन बैठे सिंहासन बैठे, बैठे गुरु की छाया, पांच तल्ले आसन पर बैठे गुरु ने शब्द बताया, जो जाने आसन का जाप उसका मुख देखे उतरे पाप, जो ना जाने आसन जाप उसका मुख देखे लागे पाप। कहो संतो हम गुर के दास, इतना आसन मंत्र पूर्ण भया, सत्य की गद्दी बैठ गुरु गोरख जी आप के हा, गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। ये आसन का मंत्र था मित्रों। और अब जो साधनाएं मैं डाल रहा हूँ डिटेल बॉक्स पे, खाली आपको लिंक मिलेगा, बाकी थोड़ा विवरण वहाँ पे डालूँगा, विस्तृत विवरण आपको ब्लॉगस्पॉट पर ही मिलेगा। अगर कोई साधना चाहिए हो ब्लॉगस्पॉट पर चले जाएं, लिंक के ऊपर क्लिक करें, लिंक मैं डाल दूंगा। इसी आशा के साथ मैं अगली वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं, उसके लिए तैयार हूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार, प्रणाम, जय जय सीताराम, जय जय